वेरी गुड, ग्रीन हाउस की जरूरत नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाला हूं हिमालय के गोद में। जी हां दोस्तों, भारत के नक्शे में एकदम ऊपर उत्तर के दिशा में समुद्र तट से 3500 मीटर ऊपर। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं लेह सिटी की, जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। और लेह की ट्रिप इनकम्प्लीट है अगर आप फेमस वर्ल्ड रिनाउंड इनोवेटर इंजीनियर सोशल एंड एजुकेशन रिफॉर्मर सोनम वांगचुक सर के स्कूल सेकमोल विजिट नहीं किए। दोस्तों, लेह सिटी से कुछ 14-15 किलोमीटर वेस्ट इंडस रिवर के बैंक्स में फे विलेज के नजदीक सिचुएटेड है यह सेकमोल कैंपस। ये स्कूल उन बच्चों के लिए बनाया गया था जो एलियन एजुकेशन सिस्टम के वजह से पढ़ने में बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे थे, 10th और 12th में भारी मात्रा में फेल कर रहे थे। तो सोलर एनर्जी का पूरा यूटिलाइजेशन किया जाता है यहाँ पे, जिससे हीट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पूरा एक सस्टेनेबल मॉडल यहाँ पे बनाया गया है, जिसकी वजह से ये सेल्फ डिपेंडेंट है। तो चलिए यहाँ का शेयर करेंगे आपको, यहाँ का हर एक माइन्यूट डिटेल्स बताएंगे, यहाँ का पूरा टूर करवाएंगे आपको। बच्चा आपको कैंपस देगा, फिर बाद आपको वहाँ पे पेमेंट मिलेगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलो, सो आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयान रहमान। आयान रहमान, मैं चोलाम सर से हूँ, नियर दिल्ली पब्लिक स्कूल। ओके, मतलब लद्दाख से ही हो आप? हाँ। तो आप यहाँ पे क्या पढ़ाई कर रहे हो? मुझे ये सीखना था हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। हाँ हाँ। और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होता है? कितने टाइम का कोर्स है ये? एक साल के लिए। हमें यहाँ पर सिखाते हैं कैसे खेती बाड़ी कर सकते हैं। अभी मैं 10th पास हूँ। 10th पास होकर के आप इधर आए हो, आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कर रहे हो? अभी मुझे आगे पढ़ना है 11th इंग्लिश करके, फिर आप 11th करोगे। हाँ। तो यहाँ पर 11th 12th की पढ़ाई होती है यहाँ पर? नहीं, आपने आप खुद पढ़ाई कर सकते हो 11th 12th, आप खुद से पढ़ाई कर सकते हो? ओके ओके, दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो ये क्या गेन हाउस है? ये सूरज सुबह से लेकर शाम तक पूरा यहाँ पर लग कर ये रूम को गर्म करते हैं। ओके, तो ऊपर हमारा मतलब काइंड ऑफ ग्रीन हाउस है ये, क्योंकि ग्लास बना हुआ है इसलिए। डबल ग्लास है, डबल ग्लास है, तो सन की रेज आती हैं जो अंदर को जाती है और हीट अप करती है, और हीट बाहर नहीं आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। ओके, और उस साइड हमारा कंप्यूटर लाइब्रेरी है, कंप्यूटर रूम और लाइब्रेरी है। और ये हमारा अटैच ग्रीन हाउस है। अटैच ग्रीन हाउस, हाँ जी। और ये हमारा ग्रेप्स प्लांट है। तो कौन से सीजन में आता है ग्रेप्स? ये गर्मियों के वक्त, गर्मी के वक्त आता है। और ये सर्दियों में हम ढक कर रखते हैं क्योंकि कुछ स्नोफॉल ना आए इसके ऊपर। और ये हमारा लाइब्रेरी है, मतलब ग्रेप प्लांटेशन। यहाँ का सॉइल और एटमॉस्फेयर सूटेबल है ना, कंडीसिव है। तो बाकी लोग भी ग्रेप फार्मिंग करते हैं यहाँ के, लद्दाख के दूसरे लोकल पीपल? लद्दाख में मैंने तो नहीं देखा, नहीं देखा ना, बट यहाँ पे कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे कैंपस में ही रहते हैं? हाँ, कैंपस में ही रहते हैं। ओके, लंच डिनर ब्रेकफास्ट एवरीथिंग? हाँ जी। And how much you are paying for your 1 year English course fee? 3,500. For the 1 year? Yeah. Full year, that is 3,500. Fine. And for admission, you need to give an admission test? Admission, no. Only no. We fill up the form. You just fill up the form fill and the you form. Just enter. And also after that, small interview. And the atmosphere is also very good, no? This is peaceful environment all around. Greenery is all around. You people only plant this, greenery? Yeah. First batch, they plant it. Okay, and what all courses are being taught here apart from your English? Like you are English, we have more little bit basics things in maths and English. Our Ladakhi history they will teach us. Yeah. So you enjoy being here? Yeah, good for us and everybody. Okay, so what is this thing, this small pit over here? During winter time. Okay. Yeah, during also summer time, we also fire on this place and some singing guitars and songs. Okay, और ये हमारा डिनर इवनिंग टीस इसमें चलता है। और इसमें डबल ग्लास भी यूज किया है, इसमें भी डबल ग्लास, वही सेम ग्रीन हाउस इफेक्ट। ब्लैक पेंट भी किया है, ब्लैक पेंट, ताकि ब्लैक इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ओके, सो वो थोड़ी सी भी धूप होगी तो बहुत अच्छा हीट एब्जॉर्ब करेगा और अंदर में गर्मी मेंटेन करेगा, क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती है, सब जीरो टेम्परेचर, राइट? और ये हमारा ये डोम शेप भी क्यों बनाया है, क्योंकि अर्थक्वेक आएगा तो पूरा
इसका प्रेशर डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा इक्वली, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगा, जिससे कि पूरा बिल्डिंग क्रम्बल नहीं करेगा, क्रैक ब्रेक नहीं है, क्रैक्स नहीं आएंगे। ओके दैट्स वेरी गुड। ये फिर वही ग्रेप्स की प्लांटिंग, और ये 3x22 हॉस्टल है। ओके तो सेक्मोल मोटो इज 3R to 3H, तो 3R इज व्हाट? 3R मींस रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। 3H मींस ब्राइट हेड, स्किल एंड काइंड हार्ट। तो इसमें हम नया कुछ बनाते हैं, इसमें हम लर्निंग सर्कल, ये लर्निंग सर्कल है। हां जी। ओके यहां पे सारे क्रिएटिविटी दिखाते हैं लोग। हां जी। इसमें सीविंग मशीन रखा हुआ है, पे ड्राइंग क्राफ्ट्स वगैरह भी, पेंटिंग्स वगैरह भी करते हैं। स्कूल में जो एक सब्जेक्ट दिया था SUPW, इट इज काइंड ऑफ दैट, जो बच्चे अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं पूरा। ओके सो यू आर देयर सिटिंग राइट? ओके सो व्हाट इज योर नेम? सो ये प्रवीण है जो हम लोगों को हेल्प किया था वहाँ पे हमें रास्ता बताने के लिए, थैंक यू वेरी मच। सो यू आर ऑल्सो स्टूडेंट हियर? ओके सो व्हाट डू यू स्टडी हियर? फाउंडेशन कोर्स ऑफ व्हाट? इन इंग्लिश। मैं 12th पास कर चुके हो, उसके बाद आप अपने फंडामेंटल्स क्लियर कर रहे हो। 12th आपने साइंस में किया था? नहीं, किस में किया? कंपाउंड आर्ट्स। आर्ट्स में किया था? हाँ। और आप कितने साल के लिए हो यहाँ पे? एक साल के लिए। वन मंथ हो गया आपको। ओके सो आफ्टर दिस आप क्या करना चाहते हो? बेसिक्स क्लियर करके, कॉन्फिडेंस और इंग्लिश। आप लद्दाख के रेसिडेंट हो? ओके दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारा गेस द वेट। ओके ये सब, ये सारे जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है रखे हुए, इसका वेट गेस करना है। तो नाइस, ये बहुत अच्छा एक दिमाग का टेस्ट होगा। दिस इज अराउंड 100 ग्राम। ओ वाओ, ये सही बोल दिया मैंने। चलो अभी ये ट्राई करते हैं। हाँ बोलिए। याद ये तो गोबर का बना हुआ है, बहुत हल्का है, इसका वेट मैं बताता हूँ, इज अराउंड 200 ग्राम। आप बताइए। 300। ओके 100 ग्राम्स मैंने कम बता दिया, नो प्रॉब्लम्स। और ये क्या? ये गत्ता है। हाँ ये 200 ग्राम्स। ये 200, हाँ 200 ग्राम्स। चलो ये सही हो गया। चलो अब ये लास्ट, और ये सबसे हैवी वाला, दिस विल बी अराउंड, पूरा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है ये, मोर देन 5 किलो है, आई विल गेस अराउंड 8 kg। 7 kg है, आपने याद कर लिया सबका, 7 kg। चलो इसमें भी मैंने 1 kg ज़्यादा बता दिया। ओके नो प्रॉब्लम, दैट वॉज फन, हाँ दैट वॉज वेरी क्रिएटिव। और ये कौन सा प्लांट है? बिलो। ओके इसमें क्या होता है? और ये हमारा छत के लिए इस्तेमाल करते हैं, अभी ये छोटा है, नाजुक है, बाद में एक साल के बाद ये मोटा भी हो जाएगा। अच्छा, और छत पे शेड बनाने के लिए? इन फ्रांस टेरा मींस अर्थ। ओके सो यू वांट टू जॉइन अस? ओके सो प्लीज, ठीक है, आप दोनों मिल करके बता सकते हो जो भी है। हाँ। तो फ्रांस में अभी टेरा मींस अर्थ के रिलेटेड ये बिल्डिंग है। ओके 2016 में इस बिल्डिंग को अवार्ड मिला था। अवार्ड मिला किस लिए? कि ये पूरा रिलेटेड है अर्थ के में से। अच्छा। क्योंकि ये कोलैप्स भी हो जाएगा, मिट्टी ही, मतलब सारा अर्थ मटेरियल यूज किया हुआ है इसमें। ओके मिट्टी का यूज किया हुआ है, वुड लोकल मटेरियल, वुड का यूज किया हुआ है, क्ले है। अवार्ड 2016 फर्स्ट इंटरनेशनल प्राइज फॉर कंटेम्प्रेरी अर्थ एंड आर्किटेक्चर। ये डोर कितना एंगल खुला है इसका, यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है, लोगों को एंगल का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। ये देखो, देख कर भी पता, देख करके ये पता चल जाएगा, और प्लस उनको आइडिया भी हो जाएगा कि दिस इज 0 degree, सी देयर इज 0 स्टार्ट ओपनिंग। सो जितना खुला है ये देखो, ये 10 degrees खुला है, दिस इज 40, दिस इज 45, मतलब अभी जितना खुलता है उसका हाफ खुला है, पूरा में ये 90 खुलता है, देखो एग्जैक्ट 90 हो गया अभी। सो ये छोटा सा एग्जांपल है, बट ये बहुत हेल्प करेगा बच्चों को उनका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ये भी है कि सिर्फ टीचर्स ही नहीं, डोर भी हमें मतलब सिखा सकता है ये। That is what science is all about. Science हमारे चारों तरफ है। और ये हमारा सदियों के वक्त हम दरवाजा खोल कर रखते हैं, क्योंकि तो भागते हुए दरवाजा खोल के जाते हैं, तो ये बनाया है कि दरवाजा खुद ही बना ऑटोमेटिक। वाओ, होममेड डोर क्लोजर, इसमें कोई सिंपल मैकेनिज्म यूज किया हुआ, जस्ट यहाँ पे एक पुली, देयर सेकंड पुली एंड द वेट, वेट में आप कुछ भी लटका सकते हो, यहाँ पे बॉटल और उसमें पानी भरा हुआ है, और ये डोर पे ऊपर नेल है, नेल पे वो टाई अप किया हुआ है, जैसे आप खोलोगे ये वेट ऊपर आएगा, और वेट ऊपर आने में इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा इस पे, जब देखो मैं अभी पकड़ा हुआ हूँ, तो इसीलिए ये अभी रुका हुआ है, जैसे मैं इसे छोड़ता हूँ तो डोर पे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज बीइंग यूज्ड टू क्लोज दिस डोर। सी वाओ, वेरी इनोवेटिव, दिस इज श्योर रैक, दीज आर ऑल फोटोग्राफ्स, जहाँ पानी में चलने वाला है, जहाँ बस उसी में मैं रहता हूँ, और उस पे जो मशीनरीज होती है उस पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसे काम करते हैं। और ये चप्पल ना हमारे पूरे में बना है। वाओ, सो क्रिएटिव आर्ट्स। ओके सर, बच्चों का। ओके सो नाउ वी बी गोइंग इनसाइड। यस, इश्यू से पहले पड़े हैं। नो इश्यू। ये हमारा लर्निंग सर्कल रूम है। टूल्स रूम।
ये तो वही है ना जो हम वहाँ से देख रहे थे। ये वही SCPW रूम है जो हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे बाहर से। और यहाँ पे बहुत सारा सामान है जहाँ पे आप कुछ भी वुड कार्विंग, हाँ वुड पे कुछ डिजाइन कटिंग कर सकते हैं, पर्टिकुलर शेप में काट करके उसको कुछ भी बना सकते हैं वुड से। कार्पेंटर रिसेप्शन सेंटर में बेचते हैं। वाओ वेरी गुड। एक वहाँ पर आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं। कौन सा? ये वाओ, ये तो कोई एक्सपीरियंस पर्सन बनाया होगा ना? जी अभी तो नहीं है, पहले बनाया है। ग्रेट, बहुत जबरदस्त चीज। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? इवनिंग एक्टिविटीज, इवनिंग एक्टिविटीज करते हैं यहाँ पे। हाँ। और आप लोगों का यहाँ पे वार्डन कोई रहता होगा ना, जिसको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसको रिपोर्ट करते होंगे? मतलब वार्डन है सब कहने वाला, यहाँ पर एक स्टाफ है हमारा, बता सकते हैं सिस्टर और ब्रदर्स कहते हैं। ओके, और जो टीचर्स यहाँ पे जो पढ़ाने आते हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं या बाहर से आते हैं? स्टाफ से पढ़ाते हैं। यहाँ पर वॉलंटियर्स भी आते हैं बाहर से, उनसे भी सीखने को मिलता है। ऐसे वॉलंटियर्स भी होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं जैसे किसी चीज में, जैसे गेम स्पोर्ट में, तो वो हमें वो चीज भी सिखाते हैं। यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स है अभी, तो वो किशन पे गए नहीं, तो हम उनके साथ, हमारा कन्वर्सेशन क्लास होता है तो हमें उनके साथ इंग्लिश में बात करना पड़ता है। तो वॉलंटियर्स जो आते हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं? फॉर एग्जांपल मैं अगर अप्लाई करना चाहता हूँ, उसके लिए एक वेबसाइट होगा सिकॉल का, उसमें जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमारा इंटरव्यू लेंगे सोनम सर। पर हम हमारा लद्दाखी कल्चर प्रोग्राम भी यहाँ पर चलता है, ये कल्चरल प्रोग्राम बना के स्टेज फोबिया दूर करने के लिए स्टेज बना हुआ है यहाँ पे। तो ये लोग यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज कुछ भी कर सकते हैं, लाइक डांस, एक्टिंग एंड सिंगिंग, एनीथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे ऑडियंस बैठी रहेगी, तो इनका इससे क्या होगा कि बच्चों का जो स्टेज फोबिया होता है, जो बच्चों को नहीं बड़ों को, अच्छे अच्छे लोगों को होता है, और ये वो चीज यहाँ पे जो बच्चे हैं बचपन में ही दूर कर सकते हैं, स्टेज फोबिया या पब्लिक स्पीकिंग। और ये सब कौन सा है? ये प्राइजेस? ओ ग्रेट, सोनम सर का जितना प्राइज है वो सब यहाँ पे डिस्प्ले में है। वंडरफुल, इनक्रेडिबल इंडिया, 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस, रनर, कुछ बच्चे, नारी बच्चे भी जीते हैं, नारी सशक्त समाज, कुछ बच्चों का भी है, कुछ बच्चों ने जो कुछ स्पोर्ट्स में अवार्ड जीता है, सारा मेडल्स, प्राइजेस, कप्स। सोनम सर का कोई किसी ने स्केच बनाया है बहुत अच्छा, अप्रिसिएशन विद ऑनर्स सिक्किम, टेक्नो वंजा, अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। ग्रेट, यहाँ पे ये ऊपर में ओपन है ताकि लाइट भी लगाने की जरूरत ना पड़े। ये पेंटिंग बना दिया ताकि बैकग्राउंड में देखने में अच्छा लगे। फाउंडेशन ईयर स्टूडेंट्स, वाओ, ये तो 1988 में स्टार्ट हो गया। इनोवेशन के आइडिया चाहिए, प्रोसेस चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, तो फाउंडिंग, हाँ, फाउंडेशन ईयर स्टूडेंट्स का फोटोग्राफ सारा यहाँ पे लगा हुआ। ओके, ऊपर हमारा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर रूम है। ओके, लाइब्रेरी है वो 24 आवर खुला रहता है और जो बच्चे जब भी यहाँ पे पढ़ना चाहिए वो पढ़ सकता है। लाइब्रेरी का कलेक्शन देखते हैं। कंप्यूटर रूम, वाओ, इसमें इतने सारे सिस्टम्स हैं और सारे कीबोर्ड्स, माउस, बच्चों को पूरा कंप्यूटर का नॉलेज, उनका एलिमेंट्री नॉलेज जो है उनका बिल्डअप किया जा सके। और यहाँ पर मीडिया रूम भी है, वहाँ पर मीडिया रूम में क्या करते हैं? न्यूज, न्यूज पेपर पब्लिश करते हैं, कैंपस का न्यूज बनाते हैं उसमें, वाह, मैगजीन्स वगैरह भी निकालते हैं, और इसमें बच्चे खुद का आर्टिकल डाल सकते हैं जो भी डालना चाहिए। वेरी गुड, और कैंपस में कोई न्यूज चल रहा है, उसे रेडियो वाला भी चलता है, रेडियो भी है, रेडियो बच्चे करते हैं, तो हमें रेडियो ऑन करके सुन सकते हैं। डिनर एक्टिविटीज, अच्छा, 15 डेज में ऐसा एक बार निकलता है। और ये हमारा लाइब्रेरी है और इसमें 3000 बुक्स अवेलेबल होगा, 3000 बुक्स अवेलेबल है ये लाइब्रेरी में, और ये लाइब्रेरी 24 आवर्स अवेलेबल है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। जैसे लर्निंग इंग्लिश के लिए है ये सारा सेक्शन, ये सेक्शन मैगजीन्स, नॉवेल्स, करेक्ट, ये सारे नॉवेल्स हैं। वाह, जैसे मोबाइल में ई बुक आ गया है, अभी सेम बुक आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हो या अभी यहाँ पढ़ना? यहाँ पढ़ना है आपको? मुझे तो बुक से ही पढ़ना अच्छा, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, मुझे भी तो ये आदत बच्चों का छूट ना जाए इसके लिए यहाँ पे लाइब्रेरी में भी लाया जाता है उनको, और बुक्स पढ़ने की आदत दिलाई जाती है। ये इंटरनेट के लिए सर्वर है, वाईफाई। ओके, ये क्या है? वॉइस रूम। वॉइस रूम, तो अभी सारे लोग किधर है?
अभी सब गेम्स गेम खेल रहे थे वहाँ से। अच्छा कितने टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे? अभी 26 है। यहाँ पे देखो डायमेंशंस का भी लोगों को समझ नहीं आता है कितने सेंटीमीटर क्या होता है, किलोमीटर क्या होता है, तो सी यहाँ चढ़ते उतरते हैं तो यहाँ से बेसिक तो यहाँ पे आपको आइडिया देखो आराम से लग सकता है कि यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट डायमेंशन यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो जितने बार बच्चे उठेंगे उनके दिमाग में बैठेगा और उनको एक आइडिया आएगा ऐसे दिस मच इज 139.7 सेंटीमीटर और ना 4 feet 7 inches करेक्ट। और सेम यहाँ से यहाँ तक देखो उसी तरह से यहाँ भी आप आइडिया लगा सकते हो 4 feet 10 inches दिस इज इन अ शेप ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे ये लेंथ बता दिया एंड ये अगर ये दूसरा हाइट बता दिया तो दिस वहाँ पे राइट एंगल है कि 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल करके यहाँ पे बता दिया दैट इज फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर वो आपको करोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। ग्रेट। अच्छा ये आपने किया है? नहीं। अच्छा यहाँ से निकाल भी सकते हैं ना? एरिया बता दिया। आप यहाँ पे हाइपोटेनस निकालने बोला है सो यू हैव टू एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से आपको कैलकुलेट करना है एंड सेम यहाँ पे डिग्री निकालना है यहाँ पर ये ओके okay. वहाँ पर 90 डिग्री है करेक्ट। हाँ इस जगह पे आपको सिर्फ एंगल निकालना है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एरिया निकालना है क्योंकि बेस हाइट एंड हाइपोटेनस थ्री साइड्स आर गिवन। वाह एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हाँ ये सब तो हाँ करेक्ट और प्लस ट्राइंगल वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। यूज़ रिड्यूस रिसाइकल बचपन से ही ट्रेनिंग दिया जाता है और ये बहुत बड़ा इशू है। गार्बेज का इशू इतना बड़ा है हमारे कंट्री में पूरे वर्ल्ड में गार्बेज का इशू जो है वो आराम से सॉल्व किया जाता है अगर हम सबसे पहले सोर्स में ही सेग्रीगेट कर दें। तो यहाँ पे देखो सारा चीज़ सारा गार्बेज सेग्रीगेट किया हुआ है पेपर एंड कार्डबोर्ड के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए यहाँ डालना है बैटरीज के लिए यहाँ डालना है मेटल वुड हार्ड प्लास्टिक डस्ट ग्लास बॉटल साफ प्लास्टिक एंड क्लोथ्स जब सेग्रीगेटेड है तो एक काम तो हमारा आसान हो गया कि सेग्रीगेट नहीं करना है। के बाद जो जैसे है जैसे कि वुड है तो वुड को अगर वो यूज नहीं कर पा रहे तो उसे हम जला भी सकते हैं ठंड में तो वो एनर्जी नहीं जैसे बॉन फायर वगैरह बनाते हैं ना वहाँ पे पिट था तो नेक्स्ट हम कहाँ जाएंगे? ये बाथरूम है वहाँ पर प्लास्टिक ओके तो यहाँ पर हमारा जो टॉयलेट है वो कंपोस्ट टॉयलेट से जो उसका वेस्ट होता है उसका मैन्योर बना के हम फील्ड पे यूज करते हैं ताकि कोई चीज भी हम वेस्ट नहीं जा सकते हैं वेस्ट का वेस्ट मैनेजमेंट है सीवेज को ट्रीट करके कंपोस्टिंग कंपोस्ट करने का तरीका थोड़ा अलग सा है। हमारा जो एक टॉयलेट होता है उसका चैम्बर होता है और दो चैम्बर मतलब एक साल में अगर ये चैम्बर भर गया तो हम उसे बंद कर देते हैं पूरा पैक कर देते हैं। वो चैम्बर किस साइड है? पीछे अंदर नीचे की साइड उस तरफ से मैं दिखा देती हूँ। ओके ओके तो अगर वो एक साल में भर जाएगा तो उसे हम पैक कर देते हैं फिर हम दूसरा चैम्बर यूज करते हैं। ग्रेट। जब तक दूसरा करते हैं वो एक साल में वो मैन्यूअल मतलब करने लग जाते हैं जो है आप यहाँ से उसको सील कर देते हैं ऊपर से बंद कर देते हैं पूरा फिर उसके बाद हम सेकेंड चैम्बर यूज करते हैं। ओके सेकेंड चैम्बर जब भर जाता है जो फर्स्ट वाला होता है उसके इन दोनों के नीचे वो चैम्बर होता है उसमें डालते हैं ताकि वो और अच्छा मैन्यूअल बने। ग्रेट। उसी तरह ये बेस जो होता है तो वो उसके नीचे डाल देते हैं जो थर्ड चैम्बर है तो उसके बाद हम इसे फिर से मतलब खोल देते हैं ताकि वाला नीचे चला गया तो इससे होता है कि क्या होता है जो मैन्यूअल बहुत अच्छे से मतलब बन जाता है। हाँ फिर हम उसको निकाल के फील्ड पे यूज करते हैं। ओके जब हम उसको पूरा सील कर दे रहे हैं मतलब ऑक्सीजन कट ऑफ कर दे रहे हैं दैट इज एनारोबिक ऑक्सीडेशन। ज्यादातर तो बंद ही होता है पूरा और जो ये बॉटल देख रहे हैं हम तो जो अंदर मक्खी वक्खी जो होता है वो फर्स्ट लाइट की तरफ भागता है तो अंधेरा होता है तो वो बॉटल्स में आके कैचअप हो जाता है। ओके लाइट वाह ये मक्खी के लिए ट्रैप बन गया एक तरह से। तो हम यहाँ पर पानी यूज नहीं करते। अच्छा पानी यूज नहीं करते उससे पानी की अभी बचत हो जाती मतलब ग्रेट
ग्रेट, ये टॉयलेट है और ये पूरा मड मड से उसको ये किया हुआ कवर किया हुआ है। फील द डिफरेंस। सो व्हाट इज द डिफरेंस? ये अलग अलग कलर दिया हुआ है। स्कूल में हमें बताया जाता है कि ब्लैक बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, वाइट नहीं करता। तो ये प्रैक्टिकली है कि बच्चों को समझने के लिए कि ब्लैक बहुत करता है, जब धूप होता है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वो उतना नहीं होता, मतलब ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। करेक्ट, वेरी गुड। तो ये हमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल से ही पता चलता है। सो दिस इज़ ए प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन। जब ये साइंस है कि लाइट जितना कलर, जितना लाइट कलर होगा उतना वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसलिए गर्मी में हम लोग जो है लाइट कलर्स पहनते हैं, जैसे कि वाइट। तो यहाँ पे देखिए ये अलग अलग कलर्स का है, से व्हाइट अगर टच करेंगे तो ये थोड़ा ठंड रहेगा क्योंकि हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, और ये डार्क है तो ये थोड़ा सा गर्म। यस, क्लियरली आई कैन फील द टेम्परेचर डिफरेंस, आई कैन सेंस द टेम्परेचर डिफरेंस। आराम से यहाँ पे 3 से 4 डिग्री का मिनिमम, 3 से 4 डिग्री का डिफरेंस है। हमारे पास वो थर्मोमीटर का गन नहीं है, नहीं तो हम लोग वो भी कन्फर्म कर लेते हैं। हाथ से तो आराम से हो रहा है, पता चल रहा है। जैसे ये वाइट है तो ये ठंडा है, और ये ब्लैक है तो ये गर्म है। इसके कंपेरिजन में ये गर्म है, और इसके कंपेरिजन में ये ठंडा रहेगा। ये ग्रीन है तो ये ब्लैक के कंपेरिजन में कम होगा। और इसीलिए आप ब्लैक किया हुआ है क्योंकि ये कोल्ड रीजन है और हमेशा माइनस में रहता है टेम्परेचर। 8 मंथ्स जो है साल के विंटर में आता है ना यहाँ का। तो ये सबसे पुराना बिल्डिंग है, ये ओके 1989 में ये बिल्डिंग बना था, जब फर्स्ट टाइम ये कैंपस जब इनॉग्रेट हुआ था उस टाइम। वाह, तब से ये बना हुआ है। वॉलंटियर्स आते हैं, वो लोग यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पर भी रुकते हैं, वहाँ पर भी रुकते हैं। ओके, और इसमें इंडोर गेम्स खेलते हैं। इंडोर गेम्स के लिए टेनिस, कैरम बोर्ड, इंडोर गेम में जो आते हैं वो सब यही खेलते हैं। ओके, साफ रखना, एग्जैक्टली हमें ही साफ करना पड़ेगा। करेक्ट, वेरी गुड। और ये बिल्ली, ये भी यहाँ पे पड़ती है क्या? इस बिल्ली का नाम नकटी है। नकटी, तो इंडोर गेम्स में यहाँ पर टेबल टेनिस देख सकते हैं, कैरम है। ओके, ये पूरा ग्लास से बना हुआ है फ्रेंड्स। ग्लास से बनाने का पर्पस वही है कि इसको ग्रीन हाउस का वो फीलिंग देने का। ब्रो, कैन यू होल्ड दिस फॉर मी जस्ट अ मिनट? तो यहाँ पर ऐसा है ना कि लद्दाख की जो गांव से बच्चे आए, मतलब हर जगह से आते हैं, जैसे मुगदा, करगिल, जमस्कर, चांपा, सब जगह से आते हैं। तो एक चीज़ यही भी होता है कि हम उनकी लैंग्वेज भी सीखते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा अलग होता है। करेक्ट, और आप लोग तो लद्दाखी ही बोलते हो ना, और लद्दाखी स्क्रिप्ट भी आप लोग पढ़ सकते हो, पूरा लिख सकते हो लद्दाखी स्क्रिप्ट। बोटी लैंग्वेज, तो वो लद्दाखी लैंग्वेज नहीं है, वो लद्दाखी लैंग्वेज है बट स्क्रिप्ट का नाम है बोटी लैंग्वेज। ओके, ग्रेन स्टोर, हाँ ये एक वीडियो में देखा था मैंने, यूट्यूब वीडियो में देखा था। इसमें ऊपर से आप ग्रेन डालते हो और नीचे से जाके निकालते हो। गाड़ी आता है यहाँ पे आराम से, वो सारा ये ग्रेन का डब्बा बना, नीचे में डब्बा है, नीचे भी जा करके हम देखेंगे। हाँ, और इसमें इसे चूहा भी नहीं आएगा ना, इसके चलते रैट्स की भी इशू नहीं होता। करेक्ट, खराब नहीं होता है। करेक्ट, यहाँ पे ग्रेन स्टोर इसीलिए लिखा हुआ है। चावल और आटा, और ये जो सारा पेड़ रहता है ये उसी का लकड़ी है ना, टिम्बर, टालू। ओके, तीन गाय और तीन घोड़े, गायों का नाम वहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे। ग्रेट, शेमा, सेम्सकिट और थोड़ी, ये तीन गाय है ना। और इसका बच्चों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है दूध निकालने का। ओके, और ये दूध हम किचन में बेचते हैं। ओके, तो मतलब बेचने के बाद मतलब इससे बच्चों को सीखने को बहुत मिलता है, जैसे बिजनेस करना, और जिस पैसे से वो लोग घास खरीदते हैं, दवाई खरीदते हैं। तो कितना ये गाय कितना दूध देती है? तो एक देता है 1 लीटर, एक गाय 2 लीटर दूध देती है, ऐसा भी बोला जाता है। मतलब अगर हम नाम रखो तो मतलब खुश होके भी देते हैं। तो ये ना हमें समर्स में हॉर्स राइडिंग सिखाएंगे। वाओ, यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, और जब ये बूढ़े हो जाएंगे तब तब देखेंगे, दूसरा तब नया घोड़ा लाएंगे। सर्दियों के वक्त हम इसमें रखते हैं शेल्टर। अच्छा, सोलर बिल्डिंग्स है फॉर द एनिमल्स। आइसिंग होता है इधर? थोड़ा आइस, स्नोफॉल में पूरा आइसिंग होता है। ये गर्मियों में ये बिल्डिंग यूज होता है, और ठंड में ये होता है। ब्लैक कलर दिया हुआ ताकि हीट एब्जॉर्ब करे और गर्म रहे। इसको भी ढक कर रखते हैं, इसको भी ढक देते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी यूज करते हैं, प्लस रेडिएशन का भी यूज करते हैं।
काउडंग का इस्तेमाल इंसुलेशन के लिए मतलब एक्सपेरिमेंट किया है कि काउडंग के साथ इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल छत अच्छा छत पे हाँ इंसुलेशन के तौर पे ताकि जो हीट लॉस ना हो अंदर का हीट अंदर ही बना रहे क्योंकि मोस्ट ऑफ द हीट रिलीज चला जाता है ऊपर से जाता है करेक्ट तो वहाँ से लूज ना हो इसके चलते ये एक्सपेरिमेंट बेसिस में ये लोग कर रहे हैं काउ डंग से एक ब्रेक बनाया गया ग्रेट तो यहाँ पर पानी का बहुत दिक्कत है तो ये प्लांट डालें क्योंकि ये मतलब अगर पानी नहीं डालेंगे सूख जाएंगे तो ये मतलब ग्रो नहीं होगा इसको रीप्लांट करके उसको प्लांट बना सकते हैं हाँ उससे निकल गया जो छोटा छोटा सा लीव्स निकल गया फ्रेश लीव्स उसको हम ओके इस तरह से हो जाएगा ग्रेट बोरवेल है अच्छा ये गार्बेज का सेग्रीगेशन है रीयूज करने के लिए यहाँ से यहाँ पे सिगरेट करके रखा हुआ कभी भी कुछ रीयूज करने का है तो यहाँ से रीयूज कर सकते हैं ये कौन सा इनोवेशन है भाई ये बायोगैस बायोगैस का डाइजेस्टर ये मैं कब से देखना चाह रहा था ये देखो आज यहाँ पे आके देखने को मिला है ये एक छोटा सा ड्रम है कितना 200 लीटर का ड्रम है ये पीवीसी का ड्रम है इसके अंदर ये यहाँ से डाल सकते हैं आप काउडंग ये काउडंग जाएगा सीधा नीचे अंदर स्लरी बनेगा स्लरी करके स्लरी बन के उसमें पानी भी डालते हैं थोड़ा सा पानी भी डालते हैं और वो अंदर में डाइजेस्टर है अंदर में बायोगैस का उसका मीथेन गैस रिलीज होता है और मीथेन गैस जो है ऊपर से टैपिंग लिया हुआ है और यहाँ से वहाँ पे वाल्व लगा करके खुला हुआ है अभी ये यूज़ में नहीं है ना इसीलिए हाँ बाद में वो वाल्व ओपन और क्लोज कर सकते हैं वहाँ से गैस आप जब भी चाहे तो गैस ले सकते हैं और स्लरी जो है स्लरी यहाँ से निकल जाता है ग्रेन स्टोर हाँ जो हम लोग ऊपर से देख रहे थे वो अभी हम नीचे आ गए ये ऊपर में वो डालने का ओपन ऊपर कवर ओपन करने का और ऊपर से ग्रेन डालने का और नीचे में हाँ मड से बनाए तो अंदर ठंड भी रहेगा तो अंदर में ये पूरा स्टोर है ये ऊपर से आ रहा है इसमें इसके थ्रू यहाँ से इसके थ्रू आ रहा है और ये पूरा ड्रम में स्टोर हो रहा है जिसमें ये राइस है राइस ये सब राइस के लिए है और निकालने के लिए नीचे से निकाल सकते हैं ये गेट बना हुआ है ये गेट से आराम से निकाल सकते हैं और सेम इधर ये पूरा ड्रम्स है ये वही सेम 200 लीटर वाला ड्रम है जो नीचे से ऊपर की ओर कंबाइन करके इसको सिंगल बना दिया है यहाँ पे देखो जॉइंट है दिस इज द जॉइंट इसको जॉइंट करके ऊपर दो ड्रम को सेम करके बना दिया ग्रेट मज़ा आ गया स्टोर अच्छा ये वेजिटेबल स्टोर आ गए फ्रिज इस्तेमाल नहीं करते लोकल फ्रिज बनाया हुआ है फ्रिज की जरूरत नहीं बिजली की बचत करते हैं वेरी गुड सही है क्योंकि बिजली जितना यूज होता है ना तो बिजली प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को फ्यूल जलाना पड़ता है और फ्यूल जलाने के लिए हम लोगों का CO2 रिलीज होता है और CO2 पूरे अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग करता है वेरी गुड तो देखो ये तो बाहर से अंदर आने के बाद आई कैन क्लियरली सेंस अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 5 डिग्रीज मिनिमम एटलीस्ट 5 डिग्रीज का डिफरेंस है बाहर से अंदर अगर बाहर 15 है तो यहाँ पे 10 है फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर देखो मैं 10 बोल रहा था अभी 12 है 2 डिग्री का डिफरेंस है हम सर्दियों के वक्त हम बाहर से सब्जियों लाते हैं और इसमें रखते हैं और हम इस फ्लोर पर गर्मियों के समय ठंडा रखने के लिए पानी डालते हैं जो बोरी देख रही उन्हें भी गीला उन्हें गीला करते हैं पानी से थोड़ा नीचे इसीलिए ठंडा रहता है ये चारों तरफ से नीचे है सराउंडिंग से अपना नीचे है इसलिए थोड़ा इसको बेसमेंट में टेम्परेचर का इट इज अंडर यू ओके वेरी गुड 2 मंथ के लिए ओके तो अच्छा जॉब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है रोटेट करते रहते हैं वेरी गुड ताकि सबको सब कुछ सीखने को मिले और एक डायरी भी दी गई है जिसमें हम कुछ अलग चीज अलग चीज और आपको क्या प्रॉब्लम दिख रही है और क्या आपने अचीव किया इसमें आपको क्या मतलब यहाँ से हम किचन को भी बेचते हैं ग्रो करते हैं अच्छा ये सब आप लोग का प्लांटेशन से आता है अभी तो नहीं है अभी स्टार्ट नहीं बाहर से आते हैं ग्रेट नहीं तो ये बेचते हैं उससे भी बिजनेस का मतलब हां बिजनेस का आइडियाज आप लोग हां करेक्ट आप बिजनेस समझ सकते हो अकाउंट्स समझ सकते हो तो ये सब आपका बाहर से आता है ना पूरे लद्दाख में सारा वेजिटेबल बाहर से आता है हम यहां पर अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो अभी स्टार्ट करेंगे तो प्रोड्यूस करके इसमें डालेंगे अदरक लहसुन मिर्च मिनी म्यूजियम है अच्छा उनका उन सर का गाड़ी इसके अंदर में लद्दाख की आइटम्स हैं कल्चरल आइटम्स वो उसको प्रिजर्व किया गया सी टूटा फूटा ग्लास या कुछ क्रॉकरी का सामान है चलो अभी म्यूजियम में जाते हैं ओके बहुत छोटा डोर है मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा तो ये हमारा कल्चर ड्रेस है हाँ लद्दाख की ड्रेस कोस कहते हैं कोस ओके और ये
हमारा ट्रेडिशनल ड्रम दामन कहते हैं। दामन हाँ जी। ये बजता है? हाँ जी। वाह। मतलब जिसे मिट्टी को कूटते हैं, ये बड़ा हाल है। यहाँ पे ये जानवर के गले में लटकाते हैं और उधर आदमी हाथ से पकड़ता है और नीचे ये जमीन पे रहता है, ब्लेड रहता है यहाँ पे। और ऐसे बोतल्स को भी यूज़ करके डिज़ाइन में बदल दिया। और ये सब ये तो वुडन से कार्व्ड किया हुआ है। और ये जमा कहते हैं, पानी ठंडा रहता है। कंटेनर विच टू स्टोर वाइन और वाटर। और ये जोरा फसल काटने का। और ये कौन सा चीज़ है? ये जानवर के गले में लगाते हैं। ये याक है। याक है हाँ, यहाँ पे याक मिलता है। और इसका नाम क्या है? ये भी हमारा वुमेन ड्रेस। अच्छा, ये वुमेन का है, ये मेल का है? ग्रेट। कोस सेम कार है ये, सोनम सर का। उस कार को म्यूजियम बना दिया गया। तो यहाँ पर बहुत पानी का दिक्कत है। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए हमने ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल। ड्रिप इरिगेशन, वेरी गुड। हाँ, और एक तो मैंने आपको बताया था, रीयूज करते हैं। यहाँ पर पानी आ रहा है थोड़ा। करेक्ट, हाँ, ड्रिप इरिगेशन। हाँ, ये छोटा सा पीवीसी का पाइप है, होल्स बनाए हुए अलग अलग जगह में। हाँ, और उस होल से ड्रॉप ड्रॉप पानी आते रहता है और उसको पोजीशन ऐसे करते हैं कि प्लांट के रूट्स में जाए। ज्यादा पानी नहीं जाएगा, जितना प्लांट को चाहिए उतना पानी आएगा। इसके चारों तरफ ऐसा कवर बना दिया ताकि पानी इससे बाहर ना जाए। तो प्लास्टिक का भी रीयूज हो गया। एप्रिकॉट ट्री है। एप्रिकॉट ट्री। तो यहाँ पर एप्रिकॉट से हम एप्रिकॉट जाम जूस बनाते हैं। ग्रेट। एप्रिकॉट का ट्री। और वो एप्पल। वो एप्पल। एप्पल ट्री जो व्हाइट व्हाइट फ्लावर्स है। फ्लावर्स है। ये फ्लावर ही एप्पल बन जाएंगे कुछ दिन में। दिन फ्लावर के बाद ही फ्रूट फ्रूट आता है। वो कौन से मंथ में आता है? जून में। मतलब गर्मी के टाइम में। गर्मी के टाइम। वाओ। और ये हमारा इसमें पानी भरकर। सो हमने और मेरे दोस्तों ने एक प्रोजेक्ट किया था। हाँ हाँ। थोड़ा ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हमने बोतल्स पे पानी डाला और उसके नीचे बोल करके आधा से ढक दिया ताकि वो पानी जाता रहे, हमें बार बार पानी ना देना पड़े। कौन से बोतल में? ये बोतल में। हाँ, इसी बोतल पानी भर कर। अच्छा, उसमें नीचे से एक होल कर दिया, बोतल में पानी भर के लगा दिया। वाह। ये एक दो दिन चलता है। अच्छा, ऊपर ऊपर ढक्कन खोल, ढक्कन खोल के ऊपर से डाल। इतना नहीं चल रहा था तो मतलब पहले ये ब्लॉक हो गया था नीचे से। अच्छा, ऊपर से होल किया तो वो जल्दी जल्दी जा रहा था। करेक्ट। तो फिर हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया, नीचे पहले पत्थर डाल दिए, फिर उसके ऊपर ये बोतल डाल के आधा से ये जा रहा है। तो बर्डिंग साइंटिस्ट, वेरी गुड, थम्स अप टू यू। और ये हमारा ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस फिर से। इस ग्रीन हाउस में क्या रखते हैं? इसमें हम सब्जियां उगाते हैं। वाओ, धनिया का स्मेल आ रहा है। धनिया पुदीना का स्मेल आ रहा है। इसका मतलब रिस्पांसिबिलिटी मेरा है तो मैं थोड़ा अच्छे से बता सकती हूं। वेरी गुड। मतलब ये ज्यादा हम विंटर में ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि लद्दाख में जब बर्फ पड़ता है तो हम विंटर्स में सब्जियां नहीं उगती। हां हां। तो ये डबल ग्लासेस है जो आप देख रहे हैं। ये उसके ऊपर और एक ग्लास, दो ग्लास है। और इससे जो हीट आता है इससे मतलब प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो ऐसा एक प्रॉब्लम आ रहा था कि बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग की वजह से प्लांट सूख रहे थे। तो तो उन्होंने मतलब आइडिया लगाया कि कैसे इसे रोका जाए। तो उन्होंने इसे बोटल्स में जो आधा ब्लैक पेंडिट जो है उसके अंदर पानी डाल के रखा। तो ये किस तरह काम करता है? ये टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। तो जब बहुत ज्यादा धूप आएगी तो जो ये वाटर जो है वो आपको पता होगा शायद, वाटर की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे मतलब हीट को मतलब अंदर लेते हैं, मतलब लेते हैं, फिर रात के समय वो छोड़ता है, रिलीज करता है। ओके, सो आई विल गिव यू द टर्म, राइट टर्म, ओके, विल यू रिमेम्बर? यस। ओके, राइट। सो दैट टर्म इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट से क्या होता है? स्पेसिफिक हीट में हर मेटल का अलग अलग स्पेसिफिक हीट होता है। जैसे कि आप सेम चीज सॉइल को और वाटर को आप कंपेयर करो तो सेम हीट आप अगर दोनों को लगा रहे हो, दो अलग अलग सब्सटेंस को लगा रहे हो, तो वन विच इज हैविंग मोर स्पेसिफिक हीट इट विल गेट हीटेड अप स्लोअर, एंड विच इज हैविंग लेस स्पेसिफिक हीट विल गेट हीटेड अप फास्टर। जब ठंडा होता है तो धीरे धीरे रिलीज करता है। इसके बाद वो जो होल देख रहे हैं वो वेंटिलेशन के लिए है। टोमेटो है, ऑनियन है, गाजर और थोड़े सैलेड। और विंटर्स में ऐसा होता है कि मतलब दिन में धूप बहुत आता है, मतलब ठीक ठाक आता है, थोड़ा ज्यादा भी आता है। हाँ। और रात में बहुत ठंड हो जाती है। Okay. तो ये उसका भी थोड़ा सॉल्यूशन है। करेक्ट। तो मैं व्यूअर्स को थोड़ा इजीली समझा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन हाउस बनाया गया। ग्रीन हाउस इसलिए बनाया गया क्योंकि बाहर सब जीरो टेम्परेचर होता है, मतलब जीरो से नीचे हमेशा टेम्परेचर रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये जितने सारे वेजिटेशन दिख रहे हैं इसके लिए वो टेम्परेचर सूटेबल नहीं है। इसके लिए नॉर्मल टेम्परेचर 10 या 10 से 15 या उससे भी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो
उसके लिए हम लोगों ने ग्रीन हाउस बनाया हुआ है। लेकिन ग्रीन हाउस बनाने के बाद अब क्या प्रॉब्लम हुआ कि ग्रीन हाउस की वजह से अंदर में गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी, जितना इनको चाहिए उनसे ज़्यादा गर्मी। तो उनसे ज़्यादा गर्मी होने की वजह से फिर इन लोगों ने क्या किया, वो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए ये ब्लैक कलर की बॉटल्स बनाए और उसके अंदर पानी भरा। तो ब्लैक कलर का बॉटल मतलब ब्लैक कलर होने की वजह से वो हीट रेडिएशन के थ्रू हीट जल्दी एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके वो हीट अपने पास रखेगा। तो उससे क्या होगा कि बाहर का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, तो इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और से रात में वापस बाहर ठंड हो जाती है तो अंदर भी टेम्परेचर कम होता है, तो उस टाइम पे जो इसके अंदर जो हीट है वो रिलीज़ करती है तो वापस से थोड़ा सा गर्मी मेंटेन होता है। तो काइंड ऑफ ये एक कैपेसिटर, एक बफर बैटरी काइंड ऑफ सिस्टम, ये पूरा ब्लैक कलर का बॉटल जो है जब हीट ज़्यादा होती है तब वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जब हीट बाहर कम होती है तब वो रिलीज कर देती है। ये किनका इनोवेशन है? सोनम सर, ऑब्वियसली नो डाउट, ही इज अ जीनियस। स्प्रिंकल का यूज करते हैं ताकि कम से कम पानी का इस्तेमाल किया जाए। ओह मैन, सोनम सर से मिलना ही पड़ेगा। सर इफ यू आर वाचिंग दिस प्लीज आई वांट टू मीट यू सर वन डे बिफोर आई डाई, इट इज माय लाइफ मिशन नाउ टू मीट यू। सो आई विल गेस द टेंपरेचर हियर, देखते हैं कितना एरर बताता है। आई थिंक इट इज अराउंड 16-18, ओ माई गॉड 23। और बाहर कितना है? बाहर कितना है? 10-12 होगा। 10 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन हाउस, जो ग्लास की वजह से ग्रीन हाउस क्रिएट किया गया है इसकी वजह से। मैं दिल्ली से ही तो आ रहा हूँ, 35-36, कुछ दिन पहले 40 किया था, 4 डेज पहले। वेरी गुड। और यहाँ पे क्या क्या आपने, स्पिनच बनाया हुआ है, कोरिएंडर बनाया हुआ है। हाँ, टेम्परेचर मेंटेन हो गया फिर तो आप कुछ भी लगा लो। ये सब्जियाँ भी हम मतलब बेचते हैं किचन को, और okay. जो पैसा आता है उससे हम मतलब सीड्स खरीदते हैं और जो कुछ छूटा होता है तो उसको। मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया हुआ है कि यहाँ का इकोनॉमी यहीं पे रोटेट हो रही है। सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है ये, बहुत मोटा, ये बहुत ठीक बनाया गया है। हाँ, क्योंकि इसमें हम और इसके बीच में इंसुलेशन दिया गया है, थर्मल इंसुलेशन। सी इतना मोटा कॉन्क्रीट, देन ये गोबर का ये ना, हाँ, गोबर और वुडन चिप्स का बना हुआ है ये इंसुलेशन मटेरियल, ये भी वही है, वही है। और फिर वापस ये लोकल ब्रिक, इतना थिक बनाया गया इसलिए ताकि हीट लॉस, अंदर का जो हीट है वो अंदर मेंटेन हो सके। हमने अपना प्रोजेक्ट जैसा बनाया है, कैंस को रीयूज करके ऐसा वास जैसा। अच्छा, वास बना दिया। ओके, इसके अंदर से वो फ्लावर निकलेगा, फ्लावर की सीड भी डाले। मजा आ गया। जो बच्चा कुछ बनाना चाहे तो वो बना सकता है, क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने का पूरा फ्रीडम है यहाँ पे। इसी रीजन की वजह से ये मॉडल जो सोनम सर का है पूरा इतना सक्सेसफुल हुआ है और पूरे वर्ल्ड जो है इनको अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो रोट लर्निंग को प्रमोट करती है। मतलब मगअप करो, समझा नहीं लेकिन मगअप करो और जाके लिख करके आ जाओ, मे बी यू स्कोर वेरी वेल बट दैट डजंट सर्व एनी पर्पस। बट आप यहाँ पे देखो, आप जितना भी चीज़ यूज़ कर रहे हो आप सबका मतलब आप समझ रहे हो, उसके पीछे प्रिंसिपल समझ रहे हो, इज़न्ट इट? करेक्ट करेक्ट। गर्मियों में यहाँ पर उगाते हैं। ओके, क्योंकि गर्मियों में वेदर सही रहता है तो ग्रीन हाउस की जरूरत नहीं है, तो गर्मियों में आराम से यहाँ पे बाहर में ओपन में ही ग्रीन हाउस से हम यहाँ पर ट्रांसप्लांट भी करते हैं। ग्रीन हाउस से यहाँ पर ट्रांसप्लांट करते हैं, वेरी गुड। और अब यहाँ पर वार्मिंग कंपोस्ट भी बनाएगा, काउडंग यूज करके, पत्ते और जो वेजिटेबल जो वेस्ट, वेजिटेबल का ड्राइड वेजिटेबल्स वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट उसमें थोड़ा पानी डालकर, हां अर्थ वर्म छोड़ते हैं। करेक्ट। और 6 मंथ आई थिंक लगता है उस वर्मी कंपोस्ट को बनने में। करेक्ट, ये वर्मी कंपोस्ट है। अर्थ वर्म जो होता है वो खाता है और उसका जो वेस्ट होता है उसे वर्मी कंपोस्ट के। अर्थ वर्म आप कहां से लाते हो, आपके पास रहता है? मतलब बाजार में भी मिलता है, लाते हैं फिर उसमें छोड़ देते हैं, बीच में होंगे शायद उसमें है। पहले ये खाएगा तो उसके बाद ये चैम्बर टाइप बनाया, खाते वो यहाँ जाएगा फिर वहाँ जाएगा। तो पहले आपको कंपोस्ट यहाँ मिलेगा, उसके बाद वहाँ मिलेगा, उसके बाद ऐसा बैच बनाया हुआ, सोलर वाटर हीटर। ये लोकल किचन, किचन में जो कुकिंग करते हैं वो लोग रहते हो या? हम लोग रहते हैं। वाह, हमें गाइड करता है। ओके ओके। डबल ग्लास सेम, यहाँ पे भी सेम वही प्रिंसिपल। वाह, मजा आ गया भाई। और ये हमारा जनसा, जनसा के लिए इसमें हमारा गैस वेस बाहर जाए। ये हमारा टेरा किंकन हॉल है और इसमें हमारा सारा एक्टिविटीज क्लासेस वगैरह इसमें चलते हैं, जैसे इंग्लिश क्लास। अच्छा, तो ये सारा क्लासरूम है? क्लासरूम। वाह, लद्दाख हिस्ट्री टाइमलाइन। वाह, ये क्लासरूम है इतना बड़ा, यहाँ पे वाइट बोर्ड्स भी हैं और पूरा यहाँ पर टॉक भी होगा, आप वहाँ पर देख सकते हो। हाँ, स्टेज बना हुआ है, हर बच्चे का टाइम आएगा टॉक बनने में, टॉपिक उसका क्या होगा वो खुद ही डिसाइड करेंगे। ओके, जैसे आप देख सकते। और किचन ड्यूटी हर स्टूडेंट का ये रोल होता है, जैसे ऑर्गन तो
अभी आज डेट 4 है, जिन दो दो बच्चों का उसका स्टेज फोबिया निकल जाएगा और टॉपिक का अवेयरनेस भी बढ़ता है उसके बारे में, प्लस स्टेज फोबिया पब्लिक स्पीकिंग भी सीखते हैं, कॉन्फिडेंस, बच्चे क्वेश्चन भी पूछते हैं ताकि उन्हें क्वेश्चन पूछना भी आता है और उसे जवाब देना भी आता है। करेक्ट, वेरी गुड। और सारा क्लासेस जो है वो क्लास यहीं पे चलता है आपका? अभी तो चलता है, नहीं तो बाहर भी चलता है। टोटल स्टूडेंट्स कितना, स्ट्रेंथ कितना होगा सबका मिला के? 40 होगा सब मिला के, 40 होगा स्ट्रेंथ। थर्मल ब्लॉक और इसमें पानी और नमक डालते हैं क्योंकि सर्दियों सर्दी के वक्त ये जमे नहीं, तो ये पानी और नमक मिलाने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। नॉर्मल पानी का 0 degree है बट अगर हम सोलन वाटर मिला देते हैं तो और नीचे हो जाता है। तो ये थर्मल ब्लॉक्स पूरा ये दीवारों में यूज किया हुआ है, दीवारों में। ये डेमो के लिए। अच्छा, ये डेमो के लिए है, बाकी सारे वॉल में ये यूज किया हुआ है। साइड में कोई गर्मी आएगी फिर वो कैप्चर करेगा रात में और ये रिलीज करेगा। वेरी गुड। तो ये पानी डालते डालने का जगह किधर है? ऊपर से? नहीं नहीं, अभी स्टार्टिंग में हम एक बार डालते फिर बंद कर देते, तो पानी अंदर ही रहता है। एग्जैक्टली। और ये रेम आर्ट है जो ये देख रहे हैं, मतलब पूरा ये करके मतलब ऐसा मतलब डिजाइन भी डिजाइन। तो ये एक एलिमेंट्री ब्लॉक है बस वो सैंपल के रखा हुआ है, ये सेम चीज़ जो है वो सारे वॉल्स के बीच में एज एन इंसुलेशन यूज़ किया गया है। और ये हमारा छोटा सा दुकान है। अच्छा, दुकान तो शॉप पूरा आइडिया मिलता है कैसे दुकान दुकान कैसे चलाना है और प्रॉफिट यहाँ से कितना अर्न हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप करते हैं। हमें क्या ज़रूरत है वो यहाँ पर अवेलेबल हो। दिल्ली जहाँ से मैं आया हूँ और जहाँ पर मेरी वाइफ है, that is 612 kilometer in this direction, so which is this direction? south, it has to be south, correct, and Jammu hai in 286 kilometers aur usse aur north ke side mein hai Srinagar, that is 244 kilometers, usse bhi aur north aur nazdeek 129 Kargil, Leh is 12 kilometers jahan pe main abhi jane wala hu wapas, so the dream run comes to end, classes abhi logo class chalu hone wala hai, football ground jahan pe bacche football practice kar rahe hain, तो रिसेप्शन सेंटर से कुछ खरीद भी सकते हैं जो बच्चे बनाते हैं। कैंपस टूर करके तो मजा ही आ गया, इतने सारे टेक्निक्स, इतने सारे इनोवेशंस। सोनम सर, हैट्स ऑफ टू यू। पहले जमाने में टाइम नहीं था हमारे पास, तो सूरज की वजह से हम टाइम भी पता चल सकता है। कैसे आप बताओ जरा? अभी फर्स्ट मई में जाएंगे तो अभी लगभग 4-5 होगा, तो अभी तो सूरज ही है हमें। और आपका शैडो देख करके पता चलेगा। हाँ, लॉजिक है कि देखो आप पहले मंथ है मई, तो मई में खड़े होंगे, जिस पोजीशन पे सन रहेगा उसी पोजीशन के हिसाब से आपका शैडो आएगा, इनमें से किसी के एक के बीच में ही आएगा। हाँ, और ऐसा जो ऐसा वर्टिकल ऐसा कट्स दिया हुआ है इसी कहीं पे शैडो आएगा और उस शैडो के हिसाब से आप पता लगा सकते हो कितना बज रहा है। जैसे अगर यहाँ पे आ रहा है तो आपका 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, 7, 12, 13, 15, 16, 18 शाम के 6 मई में आप खड़े हो और शैडो अगर यहाँ गिर रहा है तो शाम के 6 बज रहे हैं, क्योंकि अभी सन माउंटेन के पीछे चला गया तो वो काम करेगा नहीं। टाइम हो गया 6:30, थोड़ा सा ऊपर रहता और ये क्लाउड्स नहीं रहते तो यहाँ पे खड़े होते हुए मेरा शैडो जो है यहाँ पे गिर रहा होता। Am I correct, my friend? सिग्नल टाइम इंडिया के टाइम से 1 घंटा पहले चलता है। अभी 6 आपके टाइम 6:30 7:20 अच्छा 1 घंटा आगे चलता है। और यहाँ पे काम चल रहा है कैफे। वाह, चलो दोस्तों लेट हो रहे हैं, इनका क्लास स्टार्ट होने वाला है। सॉरी आप लोगों को बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का। सर्दियों में आइस ग्लेशियर भी बनाते हैं, गर्मियों में वाह स्विमिंग पूल करके स्विमिंग भी सीख सकते हैं आप लोग। अभी काउंटर खुल गया, सो थैंक यू वेरी मच माई फ्रेंड। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा से डेमोन्स्ट्रेट किया, बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छा बताया। आई विश यू अ वेरी गुड लक एंड विश यू अ वेरी गुड टाइम हियर एंड अ वेरी वेरी सक्सेसफुल करियर अहेड। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय। See friends what I bought, these are artifacts made by the students over here, this is a very nice structure, it has been made by wood, it is a nice simple drawing made over here, Sigma written over it, a boy and a girl and hills in the background, and this is a stone with ice stupa written and drawn also over it. So these two things I bought from here. This one, it will be used for their long educational tours and their social development. I'm really happy to buy this. So handcrafts made by the students over here, pictures, drawings. Flavors are ladaga, apricot jam. So this is the review I have written over here. Thank you. Bye bye. Bye. So
सो फ्रेंड्स फाइनली आई एम डन। दोस्तों गांधी जी का कहना था लिव सिंपली सो दैट अदर्स मे सिंपली लिव। कहने का मतलब है कि एक नॉर्मल सी जिंदगी जिए जिससे एनवायरनमेंट को हमारी वजह से कोई नुकसान ना पहुंचे, एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस ना आए। तो इसी से इंस्पायर होकर के सोनम सर ने एक मूवमेंट फाउंड आउट किया है livesimply.com, जिसका लिंक मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो वेबसाइट ज़रूर विजिट करिए और वहाँ पे इस मूवमेंट के तहत हम लोग प्लेज ले सकते हैं अपने डेली लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। उसमें बहुत सारे स्टेप्स बताए गए हैं कि वजह से हमारे एनवायरनमेंट में जो क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो रखा है उस पे कुछ सुधार हो सकता है। तो मैं भी इस मूवमेंट में जुड़ा हूँ और आप भी ज़रूर जुड़िए और अपने लाइफ में छोटी छोटी चेंजेस जैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कम कर सके, वेस्ट जनरेशन कम कर सके, प्लास्टिक्स का यूज़ कम कर सके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को मदद करती हैं जो क्लाइमेट चेंज है और जो ग्रीन हाउस गैसेस जो एमिट होती हैं वो सब में कटौती करने के लिए, ताकि हमारा वातावरण जो है सुरक्षित रहे और हमारा मदर अर्थ प्रोटेक्टेड रहे। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबको ही अफेक्ट हो रहा है। कभी अचानक से पूरा सूखा पड़ जाता है, कभी अचानक से बाढ़ आ जाता है, ठंड के टाइम ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हर साल कोई ना कोई नया टेम्परेचर का रिकॉर्ड आ रहा था और हम लोगों को जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ ये व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए, ताकि ये जो मूवमेंट का मैसेज है ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच पाए और हम अपना एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएँ जल्द से जल्द। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शब्बक है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, जय हिंद।